सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप मिश्रा है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज बिहार से रहने वाले हैं। कटिया थाना पड़ता है और गांव भटवा बाजार पड़ता है। अभी हम मुंडिया यहीं लुधियाना में हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ओम नमः शिवाय का मेरे को मंत्र मिला था गांव वाले गुरु से। उसके बाद मैं पुरातन ध्यान योग आश्रम लुधियाना में नामदान लिया। 10-12 साल भक्ति किया, कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बताया तो आसाराम बापू से नामदान लिया। 10-12 साल वहाँ भी भक्ति किया लेकिन कोई लाभ नहीं, हम नीचे की तरफ जाते ही रह गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अलग अलग पंथों में गए, आपने वहाँ पर भक्ति साधना की, लेकिन कहीं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका स्तर लगातार गिरता गया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी टीवी पर देखते थे लेकिन हमें उतना पता नहीं था, लेकिन जब संत रामपाल जी द्वारा लिखित एक ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ा तो अंदर का समझिए अंधकार ही दूर हो गया और मैं लालायित हो गया कि कब नामदान लूँ। फिर नामदान मेरा हुआ और मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम 2016 में गए। सर लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से ही जेल में हैं, तो फिर आपने 2016 में नाम दीक्षा कैसे ली? हमने जेल को थोड़े देखना, हमने वो क्या दे रहे हैं, संत रामपाल जी गुरु महाराज हमारे क्या दे रहे हैं, वो तो हमारे परमात्मा के रूप हैं। देखा मैं कि यहाँ करोड़ों आदमी उसका लाभ ले रहा है तो मैं कहा अब तो पके आम की तरह हैं, तो मैं सोचा कि इसका लाभ लेना चाहिए। सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य कबीरपंथी संतों से कैसे अलग पाते हैं? उनके ज्ञान का सर जी ये है कि वो कुछ और भक्ति बताते हैं। मैंने कई बार कंठी बांध लेना, तुलसी जी का माला पहन लेना, यहाँ वो सब आडंबर नहीं है। मैंने देखा ये सीधा गीता से ही ज्ञान देते हैं, लेकिन सीधा उसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि उससे अगर तेरे को अर्जुन अगर मोक्ष लेना है तो मेरे से नहीं, कृष्ण भगवान से वो सवाल कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बोले मेरे से नहीं, जो काल उनके अंदर बोल रहा था मेरे से नहीं, उस परमात्मा से मिल तब जा कर के तू मेरे धाम आएगा। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी तो गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं, क्या उनको कोई ज्ञान नहीं है? सर जी अब इतना हमारे को पूरा तो ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो लोग खिचड़ी वाला ज्ञान देते हैं, लोगों को भटकाते हैं। एक मेरे हिसाब से वो कमाने का रास्ता बनाए हैं, लोगों को भटकाते हैं, सही मार्ग नहीं बताते हैं, लोग भटक रहे हैं करोड़। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं? बिल्कुल सही देते हैं। सर अगर संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान देते हैं तो उनसे लाभ भी मिला होगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारी शुगर से बहुत परेशानी थी, मेरे को लगता नहीं था कि मैं बचूंगा। मेरा परिवार बहुत ही नीचे जा रहा था, आर्थिक इनकम बहुत ही नीचे थी, मेरा हालत बहुत था, मेरे को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, लग रहा था कि मैं सुसाइड करूं। लेकिन महाराज जी की कृपा हुई, संत रामपाल जी की कृपा हुई और धीरे 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 भक्ति करते गए, कृपा बरसती गई। मैं सुनता था कि धरती का सुख तो परमात्मा संत रामपाल जी रोंगा के रूप में देते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ ही हमारी ज़िंदगी। सर और क्या लाभ मिले? हमारे जो बच्चे थे उनको काम नहीं मिल रहा था और ना घर में कोई बरकत हो रही थी, ना हमारी नौकरी मिल रही थी, कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल हम 10-10 रुपया के लिए मोहताज थे। लेकिन आज संत रामपाल जी की असीम कृपा हुई कि जो हमारे बच्चे भी सही रास्ते में चल रहे हैं और हमें भी नौकरी मिली और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की कृपा हुई। मैं बहुत ही जब इनके संत रामपाल जी के शरण में आने के पहले बहुत ही कर्जदार था, बहुत बहुत परेशान था, लोग ताला मारने आते थे, कर्जा नहीं हमारे से दिया जाता था, बार बार कहते थे ताला मार देंगे, बखाली कर देंगे लोग, हमारा रिश्तेदार सब कोई मुंह मोड़ चुका था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता नहीं कैसे जादू की तरह हमारा कर्जा दूर हो गया और हम बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ही
रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हुई है, और हमारे पर ही नहीं हुई है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर हुई है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं और आगे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर आपको और क्या लाभ मिले? मेरे को लाभ मिला घर में हमारी परेशानी, कोई भी काम हमारा चल नहीं रहा था, काम नहीं मिलता था, हमारा बिजनेस ठप हो गया था, लेकिन धीरे धीरे हम अब आगे की तरफ रास्ता हमें मिल चुका है और हमें उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही कृपा है। लेकिन सर आप समाज के लोगों को कैसे समझा पाओगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं, जो संत जेल में है वो संत सही है और जिन संतों के लाखों में शिष्य हैं वो संत गलत है, ये कैसे सिद्ध कर पाओगे आप? मैंने देखा है इतिहास उठा करके कि जितने भी सच्चे अनुयायी हैं, जितने गुरु महाराज जो भी हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव हुए हैं चाहे गुरु गोविंद सिंह, सबके ऊपर ये दुनिया वालों ने अत्याचार किया है। तो हमारे महाराज जी के पर भी अत्याचार, ये गुरु जी का लीला है। मेरे को तो यही लगता कि ये परमात्मा संत रामपाल जी की लीला है, ये लीला कब समाप्त करेंगे उन्हीं के हाथ में। मेरे को तो लग रहा है एक दिन बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह सामने आकर के लोगों के सामने, तब तक कितने लाखों करोड़ों शिष्य नामदान ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप क्या मानते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी सच में निर्दोष हैं? ये हरियाणा पुलिस वाले उनके ऊपर झूठा दोष लगा करके और उनको जेल में बंद की है बदनाम करने के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों का जब उनके ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर विश्वास है, तो एक दिन दूध का दूध एक दिन पानी के पानी हो के रहेगा। क्या आपको पूरा विश्वास है संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे? बिल्कुल बाहर आएंगे, वो तो उनकी लीला है, वो तो चाहें तो आज ही आ सकते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ किताब पढ़िए और उसका लाभ उठाइए और लोगों को संदेश दीजिए, अपने ज़िंदगी को भी सुखी बनाइए, लोगों को भी सुखमय ज़िंदगी का संदेश दीजिए। और नशा बहुत लोग छोड़ रहे हैं, गुरुजी हमारे जेल में हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे को लगता है कि करोड़ों आदमी नामदान लिए हैं जी। धन्यवाद।